नमस्कार, स्वागत है आपका। रुड़की का जब भी जिक्र होता है तो उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए तो ज़रूर होता है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इस शहर में किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी की एकेडमी की कहीं ना कहीं शुरुआत होने जा रही है। 3 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, जो बात सामने निकल कर आ रही है। 3 दिसंबर की ये तारीख होगी जब MS धोनी क्रिकेट अकेडमी का जो उद्घाटन है वो यहाँ पर किया जाएगा, और इसी दिन यहाँ खिलाड़ियों को जो है वो ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण भी मिलने लगेगा, जिसके लिए जो पंजीकरण होता है यानी कि आपको अपने आप को जाके एक तरह से रजिस्टर करवा लेना होता है, वो प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो उसी दिन से सब कुछ शुरू हो जाएगा, यानी अपने आप में अगर आप ग्राउंड को लेकर के देखें या नेट्स को लेकर के देखें, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का नाम जुड़ा है, फाइनेंशियर्स जो हैं वो उतारू हैं कि हमारे पैसे लगा लीजिए, क्योंकि धोनी का नाम आपको पता है क्रिकेट की दुनिया में कितना बड़ा है। तो ऐसे में वो लोग जो रुड़की के आसपास रहते हैं, कहीं भी अगर आप हरिद्वार रहते हैं, कनखल का इलाका है, बादराबाद का इलाका है, या थोड़ा सा आगे आकर अगर आप देखें तो सारे के सारे जो भी इलाके हैं वहाँ से भी अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे। खैर, हम इस अकेडमी का प्रमोशन तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि महेंद्र सिंह धोनी की अकेडमी जो है वो यहाँ पर खुलने जा रही है। और ये जो है, अब तक अगर मैं आपको बताऊं तो महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी जहां से हम ये वीडियो कर रहे हैं, मतलब नोएडा में भी महेंद्र सिंह धोनी एकेडमी है यहां पर, और देश में ही नहीं बल्कि अगर मैं कहूं तो 35 एकेडमी है। दुबई में भी महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट एकेडमी है, और इसके साथ साथ सिंगापुर का इलाका भी है, वहां पर भी महेंद्र सिंह धोनी की एकेडमी है। तो देश विदेश हर जगह पर एकेडमीज खुली हुई है, और एकेडमी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि 6 साल से अधिक बच्चों का क्रिकेट, 6 साल से जो उम्र जिनकी ज़्यादा है उनको यहाँ पर रजिस्टर कराने की अनुमति होगी, 6 साल से कम है तो इजाज़त नहीं दी जाएगी, और इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को जो है वो छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो इरादे नेक हैं, और कोशिश यही है कि आने वाले समय में बड़े खिलाड़ी यहाँ से भी निकले, रुड़की के इलाकों से भी निकले, क्योंकि आप अगर देखें तो उस इलाके में ऐसी कोई बढ़िया क्रिकेट अकेडमी नहीं है। और खुद ऋषभ पंत, क्योंकि वहाँ से निकल कर आते हैं, और ऋषभ पंत को वहाँ से अपना क्रिकेट करियर बनाने के लिए दिल्ली आना पड़ा। यहाँ पर वो अगर आपको उनके इनिशियल डेज़ की कहानी नहीं पता है तो ऋषभ पंत गुरुद्वारे में बैठकर खाना खाते थे, वहीं सोते थे, वहीं उनका नहाना सब कुछ होता था। तो अगर शुरुआती दिनों में गुरुद्वारा नहीं होता, जो कि बंगला साहिब गुरुद्वारा है, बहुत पॉपुलर गुरुद्वारा है यहाँ पर, तो वहीं पर वो खाना खाते थे, वहीं पर आकर आराम करते थे। इसके अलावा उनके पास कोई घर नहीं था शुरुआती समय में, ऋषभ पंत की कहानी, और इसके अलावा उनके पास किसी तरह का कोई और फाइनेंशियल सोर्स नहीं था। और क्योंकि पिता भी, अब आपको पता है कि छोटी उम्र में ही चले गए थे, जब वो IPL ही खेल रहे थे तब भी पिता चले गए थे उनके, और हालांकि घर से आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में कहीं कोई नहीं था, खासतौर पर उस समय पर जब वो दिल्ली आ गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा होगा कि जब ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी टैलेंट वहाँ से निकल कर आ सकता है, तो ऐसे में क्यों ना वहाँ पे क्रिकेट अकेडमी खोली जाए, ताकि जो लोग वहाँ से पलायन करते हुए लखनऊ चले जाते हैं, कानपुर चले जाते हैं ग्रीन पार्क, या फिर दिल्ली आ जाते हैं, या कहीं और जाकर खेलते हैं। देखिए कितने सारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे अनुज रावत हों जो राजस्थान में विकेट कीपर थे, मनीष पांडे भी नैनी कुमाऊं के हैं, लेकिन वो अब तो खैर बैंगलोर से ही खेलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, ऋषभ पंत हो गए, वो दिल्ली से खेलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उन्मुक्त चंद का नाम सामने निकल कर आता है, बहुत सारे नाम हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े, तो आप लोग लगातार हर वीडियो को बहुत प्यार दे भी रहे हैं, तो ये महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी एक और खबर है कि उनकी अकेडमी जो है रुड़की में 3 दिसंबर से खुलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।